हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आ गए एक और न्यू व्लॉग में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है यश पांडे और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एच डी एम आई ब्लॉग्स में। तो आज आपको लग रहा होगा मैं बैठा क्यों हूँ। अब मैं बैठा इसलिए हूँ क्योंकि मैं कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल अभी कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कोरोना से लॉकडाउन के दिन वापस आ रहे हैं। अब हम लोग को बस ये टेंशन है कि लॉकडाउन ना लग जाए और हम लोग जो है घर में वापस बंदी ना बन जाए। घर में बंदी बन जाएंगे तो फिर यार आलसी होने लगते हैं इंसान और फिर काम ताम का पूरा दिक्कत होता है। तो यार अभी तो वैसे भी मेरे को वैक्सीन भी लगाना है, तो वैक्सीन अभी मैं लगाया नहीं हूँ, वैक्सीन भी लगवा लूंगा जल्दी ही। अभी मैं पता कर रहा हूँ कहाँ पे लग रहे हैं। और जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में यार मैं बहुत ही आलसी हो जाता हूँ और फिर मैं बस सोते रहता हूँ। सुबह लेट से उठना और जगना, फिर उसके बाद बस खाना पीना, फिर वापस सो जाना। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं आपको, हमारे राज्य में तो अभी कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और मेरा राज्य है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में हर जगह अभी कोरोना बहुत फैला हुआ है, भिलाई दुर्ग सभी जगह। तो मास्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सैनिटाइजर हमेशा हाथ धोने रहेगा। और बी सेफ, स्टे सेफ और स्टे इन योर होम्स प्लीज। और बस, लेकिन इससे क्या है, एक टेंशन बढ़ जा रही है क्योंकि फिर आपको हम वीडियो कैसे दिखाएंगे, अच्छे अच्छे बाहर नहीं जा पाएंगे हम लोग। लेकिन 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 वेट अ सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं ना, क्या दिक्कत है, मैं बैठा हूं तो हम आपके लिए एंटरटेनमेंट लाते रहेंगे और इस चैनल पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो भी आ जाएंगे लॉकडाउन के, जो हमारे फैमिली मस्ती फन और सारे डे वापस आ जाएंगे। हम बस, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि हाँ मैं आलसी हो गया था, लेकिन 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 हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के इतना मस्ती करते थे, इतना मस्ती करते थे, मजा ही आ जाता था। तो पूरे लॉकडाउन हम लोग मस्ती करते हुए बिताए और बिना किसी टेंशन के, बस खाना है उसके बाद फिर पापा के साथ एकदम मस्ती। और पता है मैं एक इम्पोर्टेंट चीज तो बताने भूल गया यार, मेरे पापा इतने फनी है, वो मेरे साथ फ्री फायर भी खेलते थे। सोचो, फ्री फायर, ऐसे किसी के पापा फ्री फायर नहीं खेलते होंगे, सबके पापा फ्री फायर खेलने को डांटते होंगे, लेकिन मेरे पापा मेरे साथ खुद बैठ के, मेरी बहन, मैं, पापा और हम सब फ्री फायर खेलते थे। सोचो, और फ्री फायर बस हम तीन फ्री फायर खेलते थे और उसके बाद रात के टाइम छत पे जाके लूडो खेलते थे अब बैठ के। अब बताओ, इसमें हमारा बढ़िया टाइम पास हो जाता था और बहुत ही मजा आता था। पर यार ये सब पल हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए और आपको दिखा भी नहीं पाए। पर ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर ये वापस आएगा लॉकडाउन तो इसमें हम आपको वापस से वही सारी चीजें और इंटरटेनमेंट 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 भर देंगे। एक से एक मजेदार स्पेशल सारे तरीके के वीडियो हमारे चैनल पे आ जाएंगे और आप भी देख लीजिएगा। और प्लीज इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको हमारे चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस सब्सक्राइब करने के बाद क्या है, बेल आइकन दबाने का नोटिफिकेशन आएगा, तो प्लीज बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ऑल पे, जिससे हमारी वीडियो आप तक की पहुंच जाएगी। हाई टेक्नोलॉजी सोचिए तो आई जाएगी आप तक के वीडियो और आप इंजॉय करिएगा अपने साथ और मस्ती में हमारा वीडियो पूरे लॉकडाउन भर बिताना और वीडियो देखते रहना और मस्ती करना और फन में रहना। यार लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मेरे जो लॉकडाउन के पल, मैं क्या बताऊं यार, जब मैं उसको याद करता हूं तो क्या भाई कुछ नहीं सोच रहा हूँ। नहीं नहीं यार, मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज सोच रहा था। क्या है कि हमारे दोस्तों को मैं बता रहा हूँ कि यार लॉकडाउन वापस आ रहा है, तुझे तो पता ही है हम लोग लॉकडाउन में कैसी मस्ती करते थे। हाँ। तुझे भी पता है, ये तो छोटी सी थी लेकिन अब थोड़ी बड़ी हो गई, इसको तो मैं बहुत याद है, इसको तो याद है। हम लोग अंताक्षरी सारे सारे घर बैठे गेम, इंडोर गेम हम सारे खेल डाले। सोच, और पता है क्रिकेट भी हम लोग यही आंगन में खेल लेते थे, छत पे जाके बैडमिंटन खेल लेते थे, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। यार भाई मस्ती के पल हमारे वापस आ रहे हैं। हाँ, पापा कहाँ गए? कहाँ गए हैं वो, बाहर है, बताओ क्या हुआ। अरे मैं सोच रही थी राशन वासन लेके आते। क्यों, लॉकडाउन की कैसी स्थिति रहेगी, डी मार्ट डी मार्ट डीमार्ट जाएंगे यार। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे बच्चे पार्टी लोग कितने खुश है डीमार्ट जाने के लिए। पर मम्मी क्या क्या लाना था वैसे, राशन भी लाना है और देखेंगे कुछ और भी। हाँ। यहाँ ना न्यू डीमार्ट भी खुला है। हाँ यार, हाँ न्यू डीमार्ट, तो हम लोग अभी सोच रहे हैं हम लोग दूसरी जगह वाले, पुराने वाली वीडियो बहुत है हमारे यूट्यूब पे चैनल पे, जाके देख लेना पुराना वाला वीडियो।
नए वाले में अच्छा सामान मिलेगा ना, नए वाले में जा रहे हैं हम लोग, सोचो अच्छा सामान होगा। और ये नए जगह पे खुला है तो हम लोग आज नए वाले डी मार्ट में जाएंगे, न्यू वाला डी मार्ट मजा आ जाएगा। वेट मैम, मैं तो वहाँ पूरे घूम घूम के नाचूंगी। पर एक मिनट यार, पता है वो डी मार्ट खुले अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, केवल 10 या 15 दिन हुए बस यार। गाइस वो डी मार्ट नया खुला है पुलगांव चौक तरफ है, पुलगांव तरफ। पर इन लोग तो नहीं जाएंगे मम्मी, किसने बोला? तुम लोग तो नहीं जाओगे, तुम लोग तो नहीं जाओगे, इन लोग कहाँ जाएंगे? नहीं तुम लोग रहन दो यार, तुम लोग रहन दो। इस बच्चे को छोड़ जाएंगे, हर जगह चले जाते हैं। कहाँ हर जगह जाता हूँ, मम्मी पापा मेरे को भी नहीं लेके जाते ज्यादा जगह, बस वीडियो बनाने का तो मुझे जरूरी है ना। हमारे घर का रूल है, यदि हम जाएंगे तो हम सारे के सारे जाएंगे, वरना सिर्फ 3% जाते हैं, पापा मैं मम्मी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बस सबसे बढ़िया हो गया रूल, ये भी है नंबर, रूल नंबर 2 है ये। रूल नहीं है ऐसा, रूल कोई रूल है वाह। तो तू और पापा कितने बार कहां कहां गए, मम्मी तो नहीं लेके गए। रूल ये फिर 2 ये है कि या तो मम्मी पापा जाएंगे या तो पूरी ऑल फैमिली। कहा नहीं यार, ये चीटिंग है, रूल नंबर चेंज कर दिए इन लोग। रूल मैंने बनाया था, ये सब रूल, ये मेरे रूल से है, ये मेरे रूल से वाली बात हो, ये मेरे रूल से है। तेरे को किसने बोला रूल बनाने को? मेरी मर्जी रूल। एक मिनट, रूल हमारे वसूलों पे बनते हैं, चल हट। तो पहले हम लोग चलते हैं और पहले नहा तो लो यार, फिर उसके बाद डिमांड जाओगे ना, पहले नहाओ यार जल्दी, पैकअप पैकअप पैकअप। फिलहाल गाइस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, सब कार में बैठ गए हैं, अभी निकलते हैं। पहले फिलहाल अभी हम लोग पहुंच गए डीमार्ट, और डीमार्ट जो है ना मेरे घर से बहुत ज्यादा ही पास पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं लगता हमें, जल्दी से पहुंच जाते हैं तो हम चुटकी बजाने में। और पहुंच चुके हैं हम लोग डीमार्ट और कुछ शॉपिंग करेंगे, देखते हैं और आपको भी दिखाएंगे। वैसे तो पिछली बार जब मैं गया था ना तो वहां पे ना कैमरा जो मेरा गोप्रो है, मतलब जो मेरा ट्राइपॉड है, उसको मना कर दिए थे अंदर लाने से कि अलाउ नहीं है। तो फोन को लेके गया था मैं और फोन से बनाया था, थोड़ा सा बना लिया था। वैसे ही अगर कुछ स्पेशल रहेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, डरने की कोई बात नहीं है, बना लेंगे अपन भी। गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी डी मार्ट से बाहर, और ये रही हमारी शॉपिंग ट्रॉली, और कार हमारी यहाँ पार्क है। अब बस इसे डिक्की में पैक करना है और उसके बाद निकलना है अपनी घर की तरफ। अब बस सबसे डिफिकल्ट काम, अरे झोला लाइए, मम्मी हमारी सबसे स्पेशल झोला ला देती है पहले से ही अंदर, झोला भी, झोला का भी पैसा बचा ली मम्मी है ना। कितना रुपए? 19 रुपए। 19 रुपए में क्या, 19 रुपए में इन लोग का ये आ गया है, चीज पॉपकॉर्न। अभी सब रुक जाओ, कोई नहीं खाएगा, कार में बैठ के मेरे साथ खाओगे, मेरा खत्म हो जाएगा गाइस। तो जुगाड़ हो गया, पर मम्मी पापा का क्या, पियेंगे चाय, जा रहे हैं क्या हम, और मम्मी पापा हमारे पियेंगी चाय, मम्मी चाय, पापा चाय, हम लोग चीज पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न खाए, पॉपकॉर्न। गाइस आप भी खा लीजिए हमारे तरफ से, गिरा दिया गंदा। गाइस देखो यार कितना सुंदर लग रहा है ये धूप और ये बादल, वाओ। और हम लोग कार के अंदर बैठे हैं और इससे हमको व्यू आ रहा है, और वहाँ हमारी चाय रेडी हो गई है, और हम यहाँ चीज पॉपकॉर्न खा रहे हैं, और कैमरा मैन हमारी मम्मी बनेंगे। और हम बच्चे बेबी को चलाक बताऊं, बेबी अपना पीछे लेके भाग गई ताकि मैं इसका ना ले सकूं। क्यों बेबी होशियार, फिर भी मैंने इसको बहुत खा के खत्म कर दिया, अब दीदी का कहूंगा बच्चा है तो आया। और यहाँ पे हमारी चाय रेडी हो रही है। तो गाइस यार कल रात को बहुत ही नींद आ रही थी, सब थक गए थे आने के बाद, और सब खाना खा के बस सो गए। और यार ये सामान वामान ऐसे ही पड़ा था, इसको जमाना था, मम्मी बोल रही है तू जमा। तो गाइस वीडियो को भी एंड करना मैं भूल गया था बताओ, तो मैं वीडियो अभी एंड करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब। और ये देखो
इतना सारा सामान था कुछ, मैं इसे जमाऊंगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय। और प्लीज वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। गुड बाय, सी यू।